हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जिस सुपर 100 बैच की बात हम कर रहे थे उसको लेकर हम आपके सामने आ गए हैं कि उसमें क्या क्या फ़ीचर रहेंगे, क्या क्या चीज़ हम आपको देंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप उसमें उपलब्ध रहेंगी आपके लिए। उससे पहले हम आपको बता दें, MPPSC AE एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जो आउटपुट लोगों ने मेरे लिए दिया, जिनमें से जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट्स ही रहे थे, उसका इम्पैक्ट कोचिंग इंडस्ट्री पर बहुत पड़ा और दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी और मुझे बहुत से ऑफ़र्स मिले। लेकिन आपको पता है कि जब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब मैं खुद एक चलती हुई कोचिंग के अंडर वर्क कर रहा था, वहाँ से मैंने इसको विड्रा करके ये काम मैंने शुरू किया है। और फिर से एग्जैक्टली कर दूँ कि इवन राइटिंग 199 रुपीज़ मुझे अंदर से सही फीलिंग नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। ये मेरा एक बेसिक नेचर है, मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ उनसे जब तक बेनिफिट ना किसी को पहुँचे तब तक, स्पेशली इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसके लिए पैसा मांगना एक अलग लेवल का मतलब वो आता है। लेकिन मजबूरियां भी होती हैं, जब स्टूडेंट सब कुछ पढ़ के भी आपके प्रति उस तरीके का व्यवहार करते हैं तब ये लगता है कि ये मेहनत करना भी बेकार चला जाता है। तो एक बैरियर डालना ज़रूरी होता है टू रिमूव दोज पर्सन्स हु आर नॉट इंक्लाइंड टू स्टडी, रेदर देन उनका क्या इंटेंशन रहता है ईश्वर ही जाने। खैर, ये बात तो हो गई, कोई खास इम्पॉर्टेंट बात नहीं हुई। अब सुपर 100 बैच के बारे में जान लें कि हम किस संदर्भ के लोगों को चाहते हैं। पहली बात, सुपर 100 का मतलब है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचें जो उसके लिए एलिजिबल हैं, दो हैव द कैपेबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम बट डोंट हैव द फैसिलिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मनी एंड द लैक ऑफ द गाइडेंस। दैट इज़ द ट्रू थिंग बिहाइंड दिस। जो वीडियोज़ YouTube पे अपलोड होते रहते हैं वो होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फ्री एक्सेस नहीं रहेगा, लेकिन टारगेटेड एक्सेस के लिए ये ज़रूरी था। टारगेट SSC JEE है। MP सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है उसको लेके लोगों के मन में होगा कि SSC JEE तो लेट है, MP सब इंजीनियर एग्ज़ाम पहले है। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग हमारे चैनल से जनरली जुड़े रहे हैं, एटलीस्ट अगर हम टॉप 100 स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर्स जो चैनल से जुड़े हैं उनकी बात करें, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा इफ़ दे क्रैक SSC JEE दैट विल बी बेटर देन MP सब इंजीनियर। इसका पे स्केल और जो लाइफ है वो उतनी बेटर नहीं है जितनी SSC JEE की होती है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इसकी पे स्केल संभवतः 3200 के इर्द गिर्द रहती है, जैसे उसमें आपकी ग्रेड पे 5400 रहती है असिस्टेंट इंजीनियर में। तो ये चीज़ है, इसीलिए बल्क में वैकेंसीज भी आती हैं, ये भी आपको शायद अनुमान होगा। लेकिन जहाँ नौकरी नहीं है, जिनके लिए नौकरी रिक्वायर है, उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके आप सेटल डाउन हो सकते हैं। और गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात होती है, एक लेवल पे सबके लिए अलग अलग टारगेटेड होते हैं, दैट इज अलग अनदर थिंग। अब इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, पहले उसकी बात कर लें। सभी स्टूडेंट्स को अगर इसका हिस्सा बनना है, जिनको, उनको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। दैट टेस्ट विल बी ऑन 4th ऑफ अगस्त, 4 अगस्त को ये पेपर होगा। और टाइमिंग एक फिक्स इन्फॉर्म कर दी जाएगी बिफोर, मतलब 3 या 2 अगस्त को, कि कौन से टाइमिंग पे पेपर आपको मिलेगा। पेपर मिलने का जो मीडियम है दैट विल बी व्हाट्सएप मेल, उसके थ्रू पेपर मिलेगा। पेपर मिलने का टाइम फिक्स है, उस पर आपके मेल पे वो आ जाएगा। अगर वो नहीं आता तो आप क्लेम कर सकते हैं, आई विल गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट विल नॉट, किसी भी दूसरे क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी होने को मैं पहले ही कट कर दे रहा हूँ। दूसरी बात कि ये पेपर विद इन 45 मिनट्स कंप्लीटेड होकर, 5 मिनट इस बात के लिए कि आपने 45 मिनट्स सर्किल भरे, उसको स्कैन किया, आइदर फोटो लिया, और आपको ईजिली, आपके पास अगर स्कैन कॉपी नहीं है तो 10 रुपये की मिलती है वो OMR सीट, उस पर कर सकते हैं। अगर OMR सीट भी आपके पास नहीं है तो आप एक सिंपल पेपर पे 1 से 75 तक अपने ABCD आप आराम से लिख कर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरली लोग तैयारी करते हैं तो OMR सीट रखते हैं, रफली 10-15 रुपये की मिलती हैं, उनमें 10 से 20 OMR सीट्स रहती हैं, उस पर आप सर्किल कर सकते हैं। अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा, और चाहिए तो अपना बिलोंगिंग सिटी लिख दीजिएगा, तो वो हमारे तक पहुंच जाना चाहिए। और उस OMR सीट में आपने इंटरनेट से मदद लिया, बुक से मदद लिया, मुझे पता है कि 45 मिनट में 75 क्वेश्चन करने में जो चीटिंग के थ्रू जाएगा, हम गारंटी से कहते हैं ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर द ईयर्स कि
कैसे स्टूडेंट्स किस तरीके के होते हैं, तो इस पर इसी लेवल से चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चाहें कि हम कोई ऐप क्रिएट कर दें, उस पर टाइमर लगा दें, तो अच्छे लोग आ जाएंगे, तो ऐप क्रिएट होगा, ऐप के थ्रू जो मनी जाएगी यहाँ पे, जहाँ 1999 लिखा है, या हमारी इंटेंशन उस पैसे को निकालने की होगी, यहाँ पैसा बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर और थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा, चार फैकल्टीज आएंगी, वो अलग अलग तरीके की बातें बोलेंगी, उन्हें पैसा चाहिए होगा, वो पैसे के हिसाब से अपना जो कुछ भी पढ़ के आएंगी उड़ेल के चली जाएंगी, आप उसको गैदर करेंगे, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ना हो, क्या पढ़ाना ज़रूरी है क्या पढ़ाना नहीं ज़रूरी है, और घूम फिर कर मार्केट में एक और नया तोता आ जाएगा, और उस तोते की अपनी कमाई होगी, अपनी ब्रांडिंग होगी, बट नेट में रिजल्ट में क्या मिलेगा वो आप सबको पता है। तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सुपर 100। सुपर 100 का दूसरा नाम आप कह सकते हैं 100 स्टूडेंट्स हु आर मोर इंक्लाइंड टू गेट द जॉब्स, हु हैव द कैपेसिटी टू गेट द जॉब्स एंड दे आर गेटिंग द गाइडेंस अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो ये चीज़ है, इसलिए हम ये मीडियम रख रहे हैं। जैसे कहीं कहीं आपको फीलिंग आती होगी कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, तो चीज़ें उतनी इसलिए अच्छी नहीं हैं कि आप पे लोड ना पड़े और डाइवर्जन ना क्रिएट हो। हमें तो अगर हमें मीडिया में छाना है, अगर हमें इम्प्रेसिव बनना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये सब हम लिख सकते हैं, ये दीज आल द थिंग्स हैव बीन रिटन बाय मी, दीज आल द थिंग्स हैव बीन इमेजिन बाय मी, दीज आल द थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मी, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए वो चीज़ उतनी कठिन नहीं है एज कंपेरिजन टू अदर्स। तो अब इसमें हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो ज़रूरी भी है आपके लिए। सुपर 100 का एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, जिस पे डेली वीकली मंथली करंट अफेयर्स रहेगी, चूंकि जनरली करंट अफेयर्स हिस्सा रहती है, उसको छोड़ के नहीं चला जा सकता है। क्वालिटी ओरिएंटेड जीएस फैक्ट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चंस पीडीएफ हैविंग सिमिलर लेवल टू स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोरिंग इन जीएस सेक्शन। कहीं पे भी जीएस सेक्शन में देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आइडिया नहीं पता चलता, उसके पीछे बेसिक रीजन होता है कि वो क्वेश्चंस उठाते कॉमन लेवल के हैं, जो वेरियस एग्जामिनेशंस में अलग अलग टाइम पीरियड में पूछे गए हैं। देयर विल बी प्रैक्टिस सेशन फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाया वीडियो लेक्चर्स, ऑब्वियसली सुपर 500 साइंस कंप्यूटर एंड जीएस क्वेश्चन सीरीज ओवर वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ विल बी प्रोवाइड। देखिए, एसएससी जेई का जो नॉन टेक का 100 नंबर का पेपर है, मेरा अपना अनुमान है कि इसमें 75 से 80 नंबर लाए जा सकते हैं अपनी पूरी ताकत लगा के। अब आप यहाँ इमेजिन करिए, अगर सिविल आपका अच्छा हो जाता है, तो आप अपने आप सेकेंड पेपर में सामान एवरेज परफॉर्मेंस से भी सिलेक्शन में चले जाते हैं, और वहाँ अगर आपने वही परफॉर्मेंस दे दी जो नॉन टेक में दी है, तो आप टॉप क्वालिटी टॉप 10 टॉप 5 टॉप 4 में ही रहेंगे। अब ये सारे तो नहीं रहेंगे सुपर 100 टॉप 10 टॉप 5 टॉप 4, लेकिन हाँ, एक कंपटीशन बढ़ेगा, एक डेंसनेस आएगी, जो भी रैंक आपकी आएगी वो डेंसनेस के थ्रू आएगी, यानी कि आप फर्स्ट रैंक वाले से ज़्यादा दूर नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, 1500 क्वेश्चंस टेक्निकल सेक्शन में हमने रखने का प्लान किया है, जिसमें दो सेक्शंस के क्वेश्चन तैयार भी हो चुके हैं, और इसमें मैंने अराउंड 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक रखे हैं। ध्यान से समझिए, सिविल इंजीनियरिंग को 100 टॉपिक्स में मैंने तोड़ा है, और 15 क्वेश्चन पर टॉपिक हैं, और साथ में ये 15 क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जब आप उन 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे, वो एक टॉपिक तैयार होगा, और सोचिए वो एक सीट आपके पास पहुंचती है, और उससे रिलेट करके कहीं आपने थोड़े पेन वगैरह चला दिए, अब वो आप 100, अगर पॉसिबल होता तो मैं उन कोशिश करूंगा कि उन 100 के लेक्चर्स बन जाएं, लेकिन वो एक हेक्टिक शेड्यूल भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, और हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जनरली हम कितना भी अच्छे से लिख दें, कुछ भी लिख दें, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला बोलता नहीं है, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे ये चीज़ें थी, हम चाहते तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल सकते थे, विल देयर बी सम इफेक्टिवनेस, उतनी इफेक्टिवनेस रहती क्या उस चीज़ को समझने में, ग्रैस्प करने में, उस चीज़ को रियलिटी में एब्जॉर्व करने में नहीं रहती, क्योंकि उसके पीछे बोला जाना भी ज़रूरी होता है। तो पीडीएफ में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको सही से एक्सप्लेन कर पाना, ये भी एक प्रीमियम रिक्वायरमेंट होती है। 10 मॉक टेस्ट रहेंगे एसएससी जेई के लिए, एंड दैट टोटली विल बी क्रिएटेड बाय मी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ लेवल ऑफ द क्वेश्चन, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा वीकली बेसिस पे, 1 or 2 times डिपेंडिंग ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। कोशिश करेंगे कि 100 स्टूडेंट के थ्रू हम कम से कम आधे आधे घंटे, दो दो घंटे उनके थ्रू होकर जाएं, उनकी क्या कमजोरियां हैं, उन्हें कहां पे दिक्कत हो रही है, हो सकता है कहीं पे उनकी एक मतलब स्ट्रेंथ हो, कहीं पे उनकी वीकनेस हो।
फ्री एक्सेस टू गेट मैथमेटिक्स लेक्चर भी मिलेंगे। जो गेट का एग्ज़ाम है उसके पहले गेट मैथमेटिक्स के लेक्चर कम्बाइन फॉर्म में, कुछ मेरे पहले के लेक्चर्स हैं जो मैंने पढ़ाया था गेट फोरम में और एक जगह और पढ़ाया था, तो उसके लेक्चर्स कुछ कम्बाइन रहेंगे। जिन लेक्चर्स में मुझे क्वालिटी अब लगता है कि टाइम बीतने के साथ इम्प्रूव्ड कर सकते हैं, तो उनको नए तरीके से बनाया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे, एक बुकलेट फॉर्मेट रहेगी, दैट विल बी एक्सेसिबली ई बुक फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। फ्री एक्सेस टू नॉन टेक एक्सक्लूसिव फॉर एमपी सब इंजीनियर एग्जाम, एक एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए नॉन टेक के वीडियो पढ़ेंगे यूट्यूब पे, जिनका बेसिक मीनिंग होगा कि आपको इतनी चीज़ें कवर कर लीजिए तो आ जाएगा। और एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये चीज़ें टॉपर्स को ही पता हों। कहीं कहीं होता है ना कि ये चीज़ हमें पता चल गई है, हम नहीं बताना चाहते, ये चीज़ हमें पता चल गई है, ये पब्लिक में डोमेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने वो रिसर्च कई दिनों तक की है, उससे कुछ निकला है। अब वो अगर ऐसे ही फ्री डोमेन में चला जाता है तो अंदर थोड़ा सा वैसा लगता है कि यार सामने वाला उसको बिल्कुल हल्के में ले रहा है, तो ये चीज़ हो जाता है। सामने वाला उसको जब क्रिएटिविटी की ग्रेविटी के साथ ग्रहण करता है तो वो अच्छा लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। खैर, तो ये चीज़ हो गई जो सुपर 100 बैच के लिए है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर इसमें 70 लोग ही आएँ, 70 लोग ही पेपर दें, 30 लोग ही क्रिएट हों, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग दैट हैज बीन सेट दैट विल बी डन, ओके। और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं हमने, उनको भी समझ लीजिए। इंक्लूड का मतलब मैंने अपने हिसाब से ये चीज़ लगाई है इसमें, अबव थिंग्स आर लेबल टू चेंज। चेंज का मतलब ये है, अगर मुझे लगता है कि कोई सिविल का सेक्शन है एंड आई वांट समवन स्पेशल पर्सन, आई नो हिम, ही इज एन एक्स आईएएस, ही इज ए गेट रैंकर, हम चाहते हैं कि वो चीज़ उसके थ्रू आपको पढ़ाई जाए, तो उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है, मुझे अगर फीलिंग आती है कि ये चीज़ कुछ अच्छी हो सकती है, कोई डिमिनिश नहीं किया जाएगा, जो बातें मैंने बोली उनमें कोई डिमिनिश नहीं होगा, और मोर बेटर थिंग्स आपके सामने रहेंगी, जो भी आपकी प्रीमियम रिक्वायरमेंट है फॉर क्रैकिंग द अपकमिंग एग्जाम। मेरा नाम है देवर्षि दीक्षित, मैंने मैजिकल तैयारी को फाउंड किया था 28 नवंबर 2019 का। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट एटलीस्ट 11 इयर्स का टीचिंग फील्ड में है, और अपने बारे में मैं इसी हफ्ते एक्सक्लूसिवली आपको सारी बातें बताऊंगा, जिससे आपको मेरे प्रति लेकर किसी भी प्रकार के डाउट्स खत्म हो जाएंगे, आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, सामने वाला पर्सन का पर्पज ये है, ये मिशन है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, डू वी रियली नो हिम। चेहरे देखने से इंसान को उतना नहीं जाना जाता है जितना उसके मिशन के बारे में सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर समझा जा सकता है। जानने और समझने में भी फ़र्क होता है। खैर, ये बातें थी, और एमपी सब इंजीनियर को लेके फिर एक बार क्लियर कर दें, बिफोर मेकिंग योर एम बी क्लियर द लाइफ दैट यू विल लिव देयर एंड द चांसेज ऑफ गेटिंग इन SSC JEE आफ्टर गिविंग MP सब इंजीनियर एग्जाम्स। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं DDA JEE भी भरे हैं, MP सब इंजीनियर एग्जाम भी भरेंगे, SSC JEE भी भरेंगे, CGPSC JEE भी भरेंगे, IAS भी टारगेट है उनका, और भी टारगेट हैं। तो प्लीज़ रिमाइंड कि जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे DDA JEE का एग्ज़ाम है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव उसी की तैयारी कर रहे होते हैं, दे इवन डोंट नो कोई फॉर्म छूट गया, तो उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई टारगेट बनाइए उनकी संख्या एक लिमिट तक रखिए। मैं मतलब उसको जीनियन स्टूडेंट मानता हूँ जो IAS गेट और SSC JEE के अलावा स्टेट के AE को टारगेट करके चलता है। आई एम नॉट सेइंग नॉट फिल द फॉर्म ऑफ MP सब इंजीनियर एग्जाम, बट रिमेंबर टारगेटिंग एवरी एग्जाम और टारगेटिंग सिंपल वन एग्जाम डिफरेंस रहता है, और डिपेंडेंट ओवर द नंबर ऑफ सीट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और भी चीज़ें इससे रिलेटेड जो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे वो भी बताएंगे, और कुछ ना कुछ जो फ्री एक्सेस रहता है नॉन टेक का वो भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।